फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। फैसले अप्रिय लग सकते हैं पर राष्ट्र को मिला है फायदा। अग्निपथ पर देश भर में जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री ने कहा, सुधारों की राह नए लक्ष्यों नए संकल्पों की तरफ ले जाती है। अग्निपथ युवाओं के लिए है सुनहरा पथ, मुख्यमंत्री कहा, इससे माँ भारती की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाली कंपनी का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। फतेहपुर धर्म विशेष के प्रचार का बनाया दबाव, 2 लाख महीने तक की आय का लालच। पेडलेगंज से फिराक चौराहे तक की सड़क बनाई जाएगी 4 लेन। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। संयुक्त निर्देशक और ज्येष्ठ अभियोजन के अधिकारी निलंबित, घूस लेने की पुष्टि के बाद अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन के ने की कार्यवाही। 1 डॉक्टर समेत 12 कोरोना संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या 46, कई मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री आई सामने। सिकंदराबाद स्टेशन पर साजिशन हमला, कोचिंग संचालक समेत 46 गिरफ्तार। GRP ने कहा, अग्निपथ योजना के बाद कोचिंग संचालक ने युवाओं को भड़काया। 158 के स्ट्राइक रेट वाले 37 साल के कार्तिक बन रहे कोच द्रविड़ की पसंद। मुख्य कोच ने कहा, दिनेश की बल्लेबाजी ने T20 विश्व कप से पहले दिए विकल्प। पूर्वी यूक्रेन अहम शहरों पर रूस की घेराबंदी, जेलेंस्की की चेतावनी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर लेकर के आऊँगी इसी समय मॉर्निंग में। तब तक के लिए नमस्कार।